गुजरात के राजकोट में शनिवार शाम 5 बजे टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से 30 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि राजकोट शहर के कालावाड रोड स्थित टीआरपी गेम जोन में जिस वक्त आग लगी, वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि 30 सेकंड में ही आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की 8 टीमें करीब 3 घंटे तक मशक्कत के बाद आग बुझा पाई। पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव और कलेक्टर आनंद पटेल ने कहा कि मृतकों के शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि पहचानना अब मुश्किल है, इसके लिए उन्हें डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यह हादसा इतना भीषण था कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने तक इस हादसे पर दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर पीएम मोदी ने लिखा कि राजकोट में आग दुर्घटना से बेहद व्यथित हूँ, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, घायलों के लिए प्रार्थना, स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। आज शाम राजकोट में जो एक बहुत ही दुखद घटना बनी है, जिसमें अनेक परिवारजनों को अपने स्वजनों को खोना पड़ा है, साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से मैं आज राजकोट आया हूँ। एसआईटी जो बनाई गई है, वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है कि रात को 3 बजे से ही ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए और आज ही रात जो कोई डिपार्टमेंट की एनओसीज, जितने भी डिपार्टमेंट्स ये परमिशंस के उसमें आते हैं और जो जो डिपार्टमेंट की अंडर ये गेम जोन्स कंस्ट्रक्शंस की जिम्मेदारी आती है, वो सभी उच्च अधिकारी से लेके सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 3 बजे से ही आज रात से कलेक्टर कचहरी में हाजिर रहने की सूचना दी गई है। सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी प्रकार की तहकीकात आज से ही चालू की जाएगी और जल्द से जल्द इसमें न्याय देने की प्रक्रिया और न्याय देने के लिए मेहनत की जाएगी। आज अभी मैं ये पूरी जो जायज़ा जो घटना बनी है उसका मैंने जायज़ा लिया है और ये जायज़ा लेने के बाद मैं खुद अभी कलेक्टर कचहरी में बैठने वाला हूँ। कलेक्टर कचहरी में पूरी तहकीकात के बाद मैं आप सब से फिर से एक बार जल्द सुबह मिलूंगा और मिलके आपको पूरी जानकारी आप सबको दूंगा। अभी हमारी प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो घटनास्थल में अभी भी जो लोग, जो माहिती हमारे पास है उसमें एक व्यक्ति अभी भी गुम है, उनको ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टीम लगा रहे हैं और जल्द से जल्द ये काम पूर्ण करेंगे। यहाँ पे जो दुखद घटना बनी है उसके तहत पुलिस द्वारा अभी कार्रवाई चालू है और यहाँ का जो मालिक हैं और मैनेजर हैं उनको पुलिस स्टेशन में अभी पूछ परछ के लिए ले गए गए हैं। सर, किस प्रकार का गुनाह उनके सामने दाखिल है? अभी नेग्लिजेंस का है गुनाह और बाकी इसमें अभी आगे जो फायर सेफ्टी वाले हैं उनके जो रिपोर्ट आएंगी, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर से आगे की कार्रवाई नक्की की।